कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू। अब आलिया फिर से देख सकेगी। कौन है? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? मैंने पूछा कौन? क्यों रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे आलिया बेटा, चीयर अप। देखो बेटा, कल रात को तुम्हारे साथ जो हॉस्पिटल में हुआ था वो सिर्फ तुम्हारा वहम था। डॉक्टर्स ने बोला था ना कि हैवी मेडिसिन से कभी कभी ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हम अजीब चीजें महसूस करने लगते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी आईसाइट वापस आएगी। ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ। थैंक यू डैड। अब कोई रोना धोना नहीं, अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यस, कम। चलो चलो। तुम्हारा सरप्राइज यहाँ है। चलो चलो चलो। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज।
लोग ये सोच भी नहीं सकते, आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद ये एहसास होता है ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। आलिया, आलिया प्लीज मुझे एक मौका दो, प्लीज एक मौका दे दो बात करने का। अब क्यों मुझसे बात करने आए हो अर्जुन? मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल समय में जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी कहाँ थे तुम? मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। आलिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है अर्जुन। बस आलिया, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद अर्जुन ने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर डैड ने उसे तुमसे कभी मिलने ही नहीं दिया। इनफैक्ट मुझसे भी ये प्रॉमिस करवा लिया कि ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताऊं। पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। तुम्हें पता भी है तुम्हारे आई ट्रांसप्लांट के लिए इसने कितनी भागा दौड़ी की। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अर्जुन उस गिल्ट से कभी निकल ही नहीं पाया। इनफैक्ट अपने फैमिली कनेक्शन से तुम्हारा आई ट्रांसप्लांट जल्दी करवाया, और ये सब सिर्फ अर्जुन की वजह से हो पाया। क्या ये बात सच है? प्लीज मुझे माफ कर दो आलिया। निशा दी कहाँ चली गई, वो भी इतनी रात को? निशा दी, निशा दी, निशा दी कहाँ चली गई बिना बताए? सबको उठाऊं? नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। निशा दी, ये किसकी आवाज है? ये निशा दी किसी मुसीबत में तो नहीं है? निशा दी कहाँ है आप? निशा दी कुछ तो, निशा दी, निशा दीदी, आलिया इतनी रात को सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? अर्जुन, अर्जुन, मैंने वहां किसी औरत को देखा। पर
आलिया वहां कोई नहीं है। पर अभी तो थी, वहां एक औरत थी अर्जुन। आलिया वहां कोई नहीं है। अर्जुन आई थिंक हमें घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ गाइस, हमें घर चलना चाहिए। चलो चलो। माँ। अरे आलिया, तुम तो पिकनिक से कल आने वाली थी ना, आज ही आ गई। वो मन नहीं लग रहा था मेरा, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, निशा कहाँ है? पापा, निशा गाड़ी में है, सामान ला रही है। माँ, वो बाहर एम्बुलेंस किस लिए? हाँ बेटा, वो मिसेस कुमार की डेड बॉडी मिली है उनके घर पे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हुए उनकी डेथ हुए और किसी को पता ही नहीं चला। क्या? पर तुम इस बात को छोड़ो, रात काफी हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कैसे हो सकता है? वो कल ही तो आई थी मुझसे मिलने, फिर उन्हें 24 घंटे से ज्यादा। अरे कुमार आंटी, आप कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से आ गई। थैंक यू आंटी। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। नमस्ते। क्या हो रहा है मेरे साथ? रिलैक्स आलिया, कुछ नहीं हुआ है। चिल। इतनी रात को पियानो कौन बजा रहा है? घर पे तो किसी को नहीं आता। देखो उधर कोई नहीं है।
पर निशादी बांधा कोई क्या हुआ बेटा तू इतनी डरी हुई क्यों है इतना चिल्ला क्यों रही थी क्या हुआ आलिया बेटा आलिया डैड मैं सो रही थी तो मैंने आलिया के चीखने की आवाज सुनी इसे ऐसे लगा जैसे पियानो के पास कोई है मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है आप प्लीज इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए मैं शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर का पता लगाता हूँ अब निशा इसको इसी कमरे में ले जाओ हाँ डैड आजा आजा कोई नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं कुछ नहीं है आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है डोंट वरी ओके सब ठीक हो जाएगा अब निशा मैं यहाँ हूँ ये अंकल को पता तो नहीं है ना डोंट वरी अर्जुन डैड घर पे नहीं है ये सब तब से हो रहा है जब से मेरी आंखें ट्रांसप्लांट हुई हैं हो ना हो इस सब का कनेक्शन मेरी आंखों से है उस इंसान से है जिसने मुझे ये आंखें डोनेट की तो फिर हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि तुम्हें ये आंखें डोनेट किसने की है ना पता करने की कोशिश की थी डॉक्टर से थैंक्स बोलना था लेकिन उन्होंने बोला कि ये रूल्स के अगेंस्ट है बताया नहीं मैं लाऊंगा मैं उस इंसान की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा पर कैसे मेरे पास एक प्लान है चले तुम लोग जाओ मैं नहीं जाऊंगी अरे इट्स ओके कोई बात नहीं तुम कार में बैठो हम दोनों जाते हैं